जय जोहार। छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीएम के साथ स्टील कारोबारियों की बैठक होनी है। सीएम हाउस में रात 9 बजे ये बैठक होगी और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन भी इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय के सामने अपनी परेशानी कारोबारी रखेंगे। बिजली की दर में बढ़ोतरी से उद्योग पर असर पड़ रहा है और इसके चलते ही ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। सीएम के साथ स्टील कारोबारियों की आज 9 बजे बैठक होने वाली है। इस दौरान श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। सीएम के सामने उद्योगपति कारोबारी अपनी परेशानियां रख सकते हैं। स्टील कारोबारियों के साथ बैठक होगी। बिजली की दरों में इजाफा किया गया। बिजली की दर में बढ़ोतरी का असर उद्योगों पर पड़ रहा है। इसके मद्देनजर ये महत्वपूर्ण बैठक और ये जानने की कोशिश की जाएगी किस तरह की परेशानियां स्टील कारोबारियों को हैं, उनकी नाराजगी की वजह क्या है, सबब क्या है और फिर उसके समाधान पर मंथन होगा। सीएम हाउस में रात 9 बजे ये बैठक होनी है। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की मौजूदगी में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश के पास आपको लिए चलेंगे। आकाश, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है सीएम हाउस में। इसमें उद्योग जगत से जुड़े तमाम जो संगठन के लोग वो मौजूद रहेंगे, श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन मौजूद रहेंगे। जो बिजली की दर में बढ़ोतरी हुई है उस पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। बता दें रायपुर में 150 से अधिक जो है स्टील उद्योग बंद कर दिए गए हैं और संगठन का साफ तौर से कहना है कि जब तक बिजली की दरों में कमी नहीं आएगी तब तक उद्योग चलाना काफ़ी मुश्किल है। हमने जो उद्योग के संगठन के जो पदाधिकारी और अध्यक्ष हैं अनिल नचरानी, उनसे बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है, उसके साथ ही जो है सरचार्ज जो शेष लगता है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है, इसके साथ ही अन्य जो रियायत जो मिलती है, छूट मिलती है, उसमें भी फर्क आ रहा है। इससे सीधे तौर पर 25 से 30% जो है बिजली की दर हमारे से बढ़ जा रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि पिछले 7 साल में जो है वो नॉमिनल बढ़ोतरी सीधे तौर पर की गई है। सरकार ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की तुलना में जो है वो छत्तीसगढ़ में सस्ती बिजली मिल रही है। हालांकि जो ये जो राज्य है वो स्टील उत्पादन राज्य की गिनती में नहीं आते हैं, लेकिन अभी जो चर्चा होगी मुख्यमंत्री के साथ संगठन के पदाधिकारियों की स्टील उद्योग की, तो इसमें कुछ बीच का रास्ता निकल कर सामने आने वाला है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका आकाश। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और लगातार नजर बनी हुई है। इधर बिलासपुर से बड़ी खबर, परिसीमन याचिका पर आज भी सुनवाई अधूरी रह गई। 2 दिन सुनवाई के बाद 1 हफ्ते आगे बढ़ गई है सुनवाई। प्रदेश सरकार के जवाब को अदालत ने अधूरा माना है। सरकार ने जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में ये सुनवाई चल रही है। बिलासपुर के साथ साथ अन्य नगरीय निकायों से भी याचिकाएं लगी हैं। आधा दर्जन से ज्यादा याचिकाएं हैं, एक साथ इन पर अब सुनवाई होगी। सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश के पास आपको लिए चलेंगे। उमेश, 1 हफ्ते का वक्त सरकार ने मांगा है, क्या कुछ अपडेट? ललित जी देखिए, राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की गई है कि निकायों के जो वार्ड है उसका परिसीमन किया जाए। इसको लेकर अलग अलग प्रदेश भर से याचिकाएं जो है वो हाईकोर्ट में लगी थी, जिसकी सुनवाई कल से शुरू हुई। सुनवाई कल देर शाम तक चली, उसके बाद आज भी सुनवाई शुरू हुई। लेकिन यहां पर राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करना था। जिस तरीके से राज्य सरकार ने अपना तर्क वहां पर हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने ये बताया कि वार्ड परिसीमन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अलग अलग वार्डों के जो लोग हैं उनको अलग अलग वार्डों में विस्थापित किया गया है। यही वजह है कि इन वार्डों का परिसीमन किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इसे नाकाफी समझा इस पूरे जवाब को और यह कहा है कि मुख्य बेसिक जो चीजें हैं जिस कारण से वार्ड परिसीमन किया जा रहा है वो पुख्ता जानकारी जो है वो हाईकोर्ट के समक्ष रखें। फिलहाल इस पूरे मामले को देखते हुए राज्य शासन की ओर से जो अधिवक्ता थे उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा है और उन्होंने 1 हफ्ते के बाद तमाम जो याचिका से जुड़ी जो जवाब है उसको पेश करने की बात कही है। लेकिन एक चीज यह भी निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता जो यहां पर शैलेश पांडे, उन्होंने भी याचिका लगाई है। उन्होंने ये कहा है कि 2011 के जनगणना के आधार पर 2014 और 2019 में जब परिसीमन किया गया था तो दोबारा फिर से 2011 के जनगणना के आधार पर परिसीमन क्यों किया जा रहा है, इस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया और यही वजह है कि अब अलग अलग याचिकाओं के जरिए जो है हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है। अगले हफ्ते इस पूरे मामले
मामले की फिर से सुनवाई होनी है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी उमेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल रामेन डेका आज रायपुर पहुंचे। सीएम विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया। कल सुबह 10:15 बजे रामेन डेका राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। वहीं निवर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को राजभवन से विदाई दी गई। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की, आशीर्वाद दिया। राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्प वर्षा कर हरिचंदन को विदाई दी। छत्तीसगढ़ इज अ इमर्जिंग स्टेट, विकास का राह पे चल रहा है। हमारा काम है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बीच में रह के फैसिलिटेटर होना है और विकास का जो गति है वो गति को तीव्र करना है। और वहीं नए राज्यपाल के स्वागत के दौरान कृषि मंत्री जमकर थिरकते नजर आए। नेताम छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य करते नजर आए। राउत नाचा पर उन्होंने जमकर डांस किया। ये तस्वीरें, जमकर थिरकते नजर आए कृषि मंत्री। और बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जवानों ने 10 किलो के एक आईईडी को बरामद किया और फिर उसे नष्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि माओवादी शहीदी सप्ताह मना रहे हैं। बंद के दौरान बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में वो थे। कुतुरु बेदरे सड़क पर उन्होंने इस आईईडी को प्लांट किया था। इधर बीजापुर में 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 3 गिरफ्तार नक्सली पुलिस पर बम से हमले के आरोपी हैं। इनको अंडरी के जंगल से अरेस्ट किया गया। गिरफ्तार एक नक्सली पर ग्रामीण की हत्या का भी आरोप है। इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इधर कवर्धा में 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में से एक पर 15 लाख का इनाम था। दोनों सरेंडर करने वाले जो माओवादी हैं वो कई वारदातों में वॉन्टेड थे। दुर्ग में एक सनकी पति की करतूत सामने आई। तस्वीरों में आप देखिएगा कि किस तरह से एक महिला कार के गेट पर आपको झूलती हुई नजर आएगी। कार बड़ी तेजी से चलती हुई नजर आएगी। सफेद रंग की कार में महिला चढ़ने की कोशिश कर रही है। इस शख्स पर पत्नी को कार से फेंक कर कुचलने के आरोप लगे हैं। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भिलाई के सेक्टर 5 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इधर अंबिकापुर में जादू टोने के शक में हत्या के एक मामले का खुलासा हुआ है। महिला के कत्ल का खुलासा करते हुए 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से एक नाबालिग भी है। इन भतीजों ने महिला का मर्डर किया। स्कूल के सेप्टिक टैंक में कुछ दिन पहले महिला की लाश मिली थी। अब यह मामला निकलकर सामने आया कि जादू टोने के शक में भतीजों ने यह मर्डर किया था। खबर बलौदा बाजार से, जहां पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि अवैध संबंधों को लेकर यह हत्या हुई। महिला युवक पर पैसे देने का दबाव बना रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी। इसके बाद युवक ने महिला और उसकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। कश्यप जो है संतोषी के घर में गया
और वहाँ जाके इन लोग का आपसी वो था, अवैध संबंध था, उसके चलते इन लोगों में काफ़ी झगड़ा लगा होता था। और जो मृतिका थी वो ब्लैकमेल कर रही थी इसको कि पैसे के लिए इनको बता दूंगी, हल्ला कर दूंगी। इसे काफ़ी मानसिक रूप से त्रस्त हो गया था और त्रस्त होकर उनके घर में गया 28 तारीख की रात को। दोनों के बीच वाद विवाद हुआ और वाद विवाद के चलते फिर हाथापाई पर हो गई। फिर गुस्से में आके इसने टंगिया से उसको मारा, जिससे वो ऑन द स्पॉट गिर गई। इधर दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद रायपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर ने निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को कोचिंग सेंटर के निरीक्षण के आदेश दिए हैं। कलेक्टर के आदेश के बाद कोचिंग सेंटर की लिस्ट बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। उसको देखते हुए नगर निगम को निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल ऐसी कोई भी संस्थाएं हैं जहां कोई इस प्रकार का काम हो रहा है, देखें, सुरक्षा के मापदंडों का पालन करवाएं, आवश्यकता पड़े तो बंद करें। इधर दिल्ली कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद बिलासपुर में भी अलर्ट है। जिला प्रशासन ने कोचिंग सेंटर की जांच के आदेश दिए हैं। कोचिंग सेंटर में लापरवाही पाए जाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। खबर बिलासपुर से, जहां एक डॉक्टर पर घूस मांगने का आरोप लगा है। सरकारी आयुर्वेद अस्पताल के डॉक्टर पर रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं। सरकंडा के सरकारी आयुर्वेद अस्पताल का यह मामला है। मरीज के इलाज के लिए रिश्वत मांगी गई, इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। अस्पताल प्रबंधन से शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। नहीं बताया। सर मैं पेमेंट तो लेके आया नहीं, आप तो बोले थे लगेगा नहीं। कौन बोला जी? कौन बोला लगेगा? आप तो बोले थे सर। अच्छा, अलग से लगेगा नहीं बोले थे, सिर्फ दवाई का ही कुछ लगेगा। भाई जयंत कुमार साहू को फिस्टुला के इलाज के लिए शासकीय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल नूतन चौक लेके गया था, जहाँ डॉक्टर ब्रजेश सिंह के द्वारा ऑपरेशन की बात कही गई। फिर उसका ऑपरेशन हुआ, फिर जिस दिन डिस्चार्ज होना था वो डिस्चार्ज के पेपर दे रहे थे, उस समय पैसे की मांग किए। सर ऑपरेशन के बदले में 3,000 रुपये का डिमांड किए, जो कि मेरे पास था नहीं। तो मैं बोला, सर से बोला कि सर आप तो पहले मेरे को बताए नहीं थे पैसा नहीं लगेगा बोले थे। तो बोलते हैं कि सर मैं कब बोला हूँ पैसा नहीं लगेगा करके। इधर बलरामपुर के मिडिल स्कूल फूली डूमर के हेडमास्टर हैंडबैग में हिडन कैमरा लेकर स्कूल जाते थे। वो अक्सर अपना बैग स्कूल में अलग अलग जगहों पर छोड़ भी दिया करते थे। स्कूल की जांच में पहुंचे वाड्रफ नगर बीईओ के निरीक्षण के दौरान शिक्षकों की नजर इस हिडन कैमरा पर पड़ गई। इसकी शिकायत बीईओ से की गई। बीईओ ने हेडमास्टर को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें वाड्रफ नगर बीईओ स्कूल में जांच के लिए पहुंचे थे और उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम सामने आया।